भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के गौरव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन जी सदन में बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, इनको आपके समक्ष सदन के सामने क्षमा याचना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। चूंकि ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर करने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये घुसपैठियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, इस पर विराम लगे और ये खेद व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं। आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी आपको मांगनी पड़ेगी। अधीरंजन जी, माफी मांगनी पड़ेगी, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना, गृहमंत्री जी के लिए कहना आपको सौंपा नहीं देता। माफी मांगिए आप, जिन्होंने सम्मान बनाया देश का, मान बनाया, उनको आप कहते हो घुसपैठिया। सर 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 सर, जब कांग्रेस पार्टी के जो नेता अधीरंजन चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठी है, ये तो बहुत, कितने शब्दों से वे इसमें खंडना करते हैं तो भी कम है सर। कांग्रेस पार्टी आफ्टर द लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल परहैप्स फील्स दैट स्ट्रॉन्ग डिसिसिव लीडर हु हैज द सॉलिड मैंडेट ऑफ द पीपल दे आर कॉलिंग हिम इन्फ्लेटर। दिस शोज दे आर नॉट स्टिल एबल टू रियलाइज द मैंडेट ऑफ द पीपल सर। हिज स्टेटमेंट इज आउटराइट इंसल्ट टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री हु हैव इलेक्टेड मोदी जी with a renewed and resounding mandate, sir. This is also a manifestation of the Congress side of federalism, sir. I strongly condemn his statement, sir. And he comes from West Bengal. He is the leader of the Congress party here. Can we call them an infiltrator? What is he talking? He should talk responsibly. Sir, let him understand, sir. Let him understand. We are forced to draw the inference that Congress party led by infiltrator will obviously pursue the others in the same way. Unka party ka neta hi infiltrator hai. Hamare party mein ke bare mein kya bolta hai? They are the infiltrator. And he is from West Bengal. What is he talking? Wo kya baat kar raha hai? Pradhan Mantri ji, jisko itna mandate mila hai. After the 35 years, लोगों को फांसी पर चढ़ाने के पहले भी उनको मौका दिया जाता है। नॉन कांग्रेस अभी भी तो मौका दिया करो। एंड पीपल अभी भी विश्व में अति विश्वप्रिय नेता कोई है तो भारत को सर विश्वप्रिय लोकप्रिय नेता है तो इनको नरेंद्र मोदी जी है। जो मैंने कहना चाहता था उनको गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं किस हालत में, किस संदर्भ पे, किस लिहाज पे ये बात कही, ये पहले समझना पड़ेगा। आप बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी करने लगे, मुझे तो बोलने के दिया करो और मुझे मेरी बात सुनने को कम से कम प्रयास करना चाहिए आप लोग। ना प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री से मैंडेट मिला है और जिस गृह मंत्री ने 370 मोदी जी के मार्गदर्शन के हटा के एक इतिहास बनाया है, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री को आपने जो स्टेटमेंट दिया है, यू शुड विथड्रॉ दैट स्टेटमेंट एंड अपोलोगाइज, अनकंडीशनल अपोलोगाइज। यू शुड मेक अनकंडीशनल अपोलोगाइज। यानी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, बोलने तो देंगे कम से कम। ऐसा नहीं बोला मैंने, ये बोल रहे हैं। अरे मैं खुलेआम सिखाता हूं कि मैं और मेरा पिता माता सारे बांग्लादेश में थे, तो बांग्लादेश में जब थे तो यहां जब आए, कागजात तो सारे सबके पास नहीं था, क्योंकि इतने सालों से हम यहां रहते हैं आजादी के समय से। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, तो कागजात रहने की कोई मतलब हम नहीं समझते थे। तो इसलिए एक मिनट तो इसलिए अगर अभी अभी कोई कह दे कि आप घुसपैठिया है तो मैं घुसपैठिया बन जाऊंगी, क्या करें? हमारे देश में एक बार बोलने तो दीजिए। अच्छा, आप मेरे बात सुनने का उपरांत अगर आप संतुष्ट ना हो तब ना मैं क्षमा मांगूंगा। अगर मेरे बात कम से कम सुना तो करो।
मेरा बात अगर आपको प्रसन्न नहीं कर सकते तो आप जो मुझे जो कह दो। हमारे सभा की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारे देश में